जंगल की जड़ी बूटी है दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के कब्जे में बहाना है दवाई का। स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन कासिम में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो गया हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नोबर्स क्रीम। ये नोबर्स क्रीम जो है शमा कंपनी की आती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके हाथ पैर या बदन में किसी भी जगह चितलापन, जिसको जिस तरह के सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो जाते हैं, जैसा कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इस तरह के जो सफ़ेद दाग बदन के ऊपर आने लगते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और लाजवाब और बेस्ट क्रीम है ये। तो जो लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत सी दवाइयाँ भी खा चुके हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाई खाने के साथ साथ आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक मरतबा ये क्रीम भी ज़रूर यूज़ करके देखें। नोबर्स क्रीम, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये 50 ग्राम के अंदर ये व्यूअर्स ये पैक आता है, 50 ग्राम इसके अंदर क्रीम है, ये आप देख सकते हैं। और MRP की अगर बात करें तो इसका MRP बहुत ही मुनासिब है, बिल्कुल जैसा कि इसको हर आदमी बड़ी आसानी के साथ कहीं से भी ले सकता है। और अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है तो आप हमारे पास से भी इसको मंगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, आपको इसका हम प्राइस बता देते हैं। 50 ग्राम के अंदर है और इसका प्राइस सिर्फ 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो व्यूअर्स, आपके यहाँ आपके दोस्त अहबाब में या इसी तरीके से आपके रिश्तेदारों में भी जो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आयुर्वेदिक क्रीम, यूनानी क्रीम, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इस्तेमाल करने का तरीका ये रहेगा, रात में आप सोते वक्त इसको थोड़ी सी क्रीम लेकर जहाँ जहाँ पर भी ये आपके चितलेपन के इस तरह के दाग है, आप इनको वहाँ लेकर अच्छी तरीके से इस तरह मसाज कीजिए और इसको खुश्क करके छोड़ दीजिए। जितनी इस्तेमाल करनी है उतनी ही निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है। इसी तरीके से सुबह में भी और शाम में भी दो वक्त आपको इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, वो चाहे एलोपैथिक दवाई है, जिस तरीके की भी आयुर्वेदिक दवाई जो भी आप खा रहे हैं, वो भी इसके साथ साथ आप खा सकते हैं। बाकी इसके साथ और आपको हब्बे मुसफ़े खून या खून साफ़ी या मुसफ़े ख़ास, इस तरह की जो खून साफ़ की दवाई है, वो भी आपको साथ साथ में ले लेनी चाहिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिलती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।